नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हिमांशी न्यूज के साथ। अभी मैं पहुंच चुका हूं सकरा प्रखंड के कलवलाह मैदान में, जो रघुनाथपुर दोनमा के कलवलाह मैदान, जाने माने कलवलाह मैदान है। उस कलवलाह मैदान में पहुंचे हुए हैं और जो यह तमाम भीड़ देख रहे हैं, वह भीड़ एक ऐसा तस्वीर को साझा करती है, एक ऐसा युवा चेहरा को साझा करती है जिसके बारे में जानकर आपका पैरे तले जमीन खिसक जाएगा। आपको आगे बढ़ते हुए बताना चाहूँगा कि सकरा प्रखंड के रामनगर गांव के रहने वाला 24 साल का मात्र एक युवा जिसका नाम है नीरज कुमार, उसकी माता का साया उनका 2004 में ही ख़त्म हो गई थी और उसके बाद उनका पिता का साया 2019 में ही ख़त्म हो गई थी। आपको बता दें कि न इनके माता जी जीवित हैं और न इनके पिताजी जीवित हैं, फिर भी आज यह एक ऐसा मुकाम पर खड़े हैं कि हजारों की संख्या में चाहने वाले उभर पड़े हैं। आपको बता दें कि नीरज का जन्म 12/9/1999 को हुआ था, यानी 24 साल के नीरज हो चुके हैं। आज ये तमाम भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये नीरज को चाहने वाले हैं। नीरज से जब मैंने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि सर, ये भीड़ तो कुछ नहीं है, आज मैं 2 घंटों के अंदर इतना ही लोगों का फ़ोन कर पाया हूँ। इतना लोग मात्र और मात्र 2 घंटा जो मुझे फ्री टाइम मिला, उस 2 घंटा में मैंने फ़ोन किया और हमारे शुभचिंतक, हमारे चाहने वाले, हमारे आशीर्वाद देने वाले लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया। अब आप लोग सोचते हुए कि नीरज आखिर अब करते क्या हैं, तो आपको बता दें कि पटना के पूर्व विधायक विजय कुमार यादव के यहाँ ये ठेकेदारी करते हैं, यानी कहा जाए तो इनका प्रॉपर्ली अभी ठेकेदारी का काम चल रहा है। और इनके चाहनों वाले की तो जुनून देखिए, डीजे के धुन पर किस प्रकार ठुमका लगा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे इसलिए यह प्रोग्राम को रखा गया कि नीरज के चाहने वाले अत्यधिक मात्रा में लोग हैं, किसी होटल या घर पर एकत्रित नहीं हो पाते, इसके वजह से ये खुला मैदान में ही ये ऐसा आयोजन को रख लिए। बताया गया है कि दम शांतिपूर्ण यह व्यवस्था किया गया था और शांतिपूर्वक इनके चाहनों वाले ने इन्हें सपोर्ट किया और यह एक विशाल बर्थडे पार्टी बन गया। इस पार्टी में मौजूद मैंने कुछ लोगों से फीडबैक जब नीरज के बारे में लेना स्टार्ट किया तो उन्होंने पहले ही शब्द में कहा कि नीरज एक ऐसा लड़का है जिसको लोग न चाहते हुए भी चाहता है, काहे कि वो किसी भी प्रकार की गलत नीयत या गलत सोच रखने वाले आदमी को नहीं बकसते हैं और उनके अंदर हर किसी के प्रति एक अच्छा विचार रहता है। एक फ़ोन पर, यानी कि नीरज कुमार यादव के फ़ोन पर अगर कोई नहीं आ पाए, ये हो ही नहीं सकता है। यानी साफ तौर पर भैया, हम इसलिए आपको कहते हैं कि नीरज कुमार यादव एक ऐसा लड़का है जिसको देखने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, जो स्क्रीन पर वीडियो आप देख पा रहे होंगे, सेल्फी लेने के लिए आप देख सकते हैं कि कितने तादाद में लोग भरे हुए हैं। उम्मीद किया जा सकता है, एक मतलब अनुमान लगाया गया है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद थे और लगभग गाड़ियों की संख्या अगर कही जाए तो लगभग 500 प्लस की संख्या में गाड़ी थी। कितने 4 चक्का आए हुए थे, कितने 2 चक्का वाहन आए हुए थे और लोगों तो कहिए भी नहीं। लेकिन इनका दिल और भी सुंदर तब हो गया जब इन सभी साथियों के लिए, सभी शुभचिंतकों के लिए, सभी प्रेमियों के लिए ये खाना का सुंदर व्यवस्था किए हुए थे। कहा जाता है कि किसी भी होटल में अगर व्यवस्था किया जाता, कुछ लोग वहाँ के कह रहे थे कि किसी भी होटल में अगर व्यवस्था खाना का किया जाता तो अगर वो मांसाहारी या शाकाहारी हो तो प्लेट के हिसाब से देते। लेकिन यह पार्टी में देखा गया है और देखने को मिल रहा है कि यह पार्टी में काफ़ी मात्रा में लोग खिला रहे हैं और सभी युवा आपस में बांट के खा रहे हैं। न यहाँ पे किसी प्रकार का लेबर रखा गया था कि आप हमारे शुभचिंतक को खाना खिलाइएगा, बल्कि कोई भी युवा, इसी में के युवा मतलब नीरज के चाहने वाले लोग खुद परस रहे थे और खुद खा रहे थे। मतलब साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यह लड़का का जवाब नहीं है, यह इसका बहुत दरिया दिल का आदमी है। और इनके चाहने वाले की संख्या इतना ही नहीं, बल्कि कहा जाता है कि इसे नीरज के मोबाइल में नंबर तो दूर की बात है, सोशल मीडिया पर जब इनके हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की जब बधाई लोग देने लगे तो पूरे सोशल मीडिया ही भर गए। मतलब कहा गया है कि कोई भी ऐसे आसपास के प्रखंड के लोग हो या आसपास के जिला के लोग हो, कोई भी ऐसा लोग नहीं होगा जो नीरज को जानता है, वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट नहीं डाला होगा। तो आप हिमांशी न्यूज़ देख रहे थे। जो भी नीरज भाई को चाहने वाले लोग हैं,
आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को काफ़ी शेयर जरूर कीजिएगा और नीरज भाई के लिए इस चैनल के माध्यम से हैप्पी बर्थडे टू यू एवं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना एक कमेंट के साथ जरूर डालिएगा और ज़रूर यह वीडियो को शेयर करके पुनः आगे साल के लिए यह चैनल को मजबूत बनाइएगा। लास्ट में एक ही शब्द बोलेंगे, नीरज भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना, उसके बाद जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।